हरदोई शाहजहांपुर मार्ग पर बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के दलेलपुर गांव के पास एक ट्रक सड़क किनारे कीचड़ में धस गया, जिसके बाद ट्रक चालक ने ट्रक को निकालने का काफी प्रयास किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। दरअसल नोटों की कतरन से भरा ट्रक ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले को समझा, फिर आरबीआई के अधिकारियों से बातचीत करके ट्रक को कीचड़ से निकलवा कर रवाना कर दिया। एक ट्रक दलेलपुर पड़ता है बेहटा गोकुल में, वहाँ पे फंस गया था। तो मौके पे पुलिस पहुँची, लोग भी इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ देखा गया तो वहाँ नोटों की कतरन ट्रक में भरी हुई थी, उसकी जांच की गई। सी और अपराध द्वारा मौके पहुँच के और आरबीआई के अधिकारियों से बात किया गया तो ये जानकारी में आया कि ये कानपुर से नोटों का कतरन लेकर बरेली रामा श्यामा फरीदपुर की तरफ जा रहा था। कागजात देख कर वार्ता करके उसको छोड़ दिया गया है और टकराव वाला हो गया है। क्या कौतूहल वगैरह क्या किस तरीके का हो गया? अब लोग इकट्ठे थे कि इसमें लग रहा था उनको कि नोट कटे फटे भरे हैं, तो इस वजह से इकट्ठे थे। हालांकि वो कतरन था और वो जा रहा था वहाँ पे नियमानुसार जा रहा। बताया जा रहा है कि ये ट्रक कानपुर से बरेली जा रहा था लेकिन ट्रक जाते समय कीचड़ में धस गया, तो वही मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने उसे निकलवा कर रवाना कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।